अम्मा आम खिलाओगी खेतों के? तो कुछ तो खिलाओ। अब आप खेती नहीं करती? ना, अब ना करती। वैसे भी नहीं पालती? नहीं। चलो मेरे साथ चलो, बरेली चल रही हो। तो देखो गांव की लड़कियां एकदम सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, किसी की जरूरत नहीं है बल्ब लगाने के लिए। तो अम्मी ने रूबी को बोला है घर में बल्ब लगाने को, तो ये सीढ़ी खुद ही ले आई है। देख रही हो अम्मी बाहर से एकदम सीढ़ी लेके आई है, मस्त तो चढ़ के लगा भी देगी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम अमरोहा, एक दिन उधर रुकेंगे और अम्मा से भी मिलना है। मेरी नानी भी अमरोहा के पास ही रहती हैं, तो उनसे ही मिलना है। उसके बाद जाएंगे बरेली, दिवाली है और शिल्पा के पापा ने स्पेशली बोला है कि भाई आना है, आना है, आना है, तो जाना तो पड़ेगा। और बस और कितने दिन बाद हम रोड ट्रिप पे निकले हैं, ये भी तो देखो। आज अमरोहा, कल बरेली, परसों वापस अमरोहा और उसके नेक्स्ट डे दिल्ली, चार दिल्ली। तो मैंने कहा आउटिंग भी हो जाएगी। और मम्मी पापा साहिर परवेश दूसरी गाड़ी में, मैं शिल्पा और शहर इस गाड़ी में। आओ शहर दीदी, दिखाओ तो सही कैसे बैठी हो। तो ये हमारी रोड ट्रिप भी हो जाएगी और हम मेरे होम टाउन अमरोहा भी चले जाएंगे, नानी से मिल लेंगे और फिर बरेली भी चले जाएंगे एक दिन के लिए। और हो सकता है साजिद मुझे रास्ते में हलीम भी खिला दे, मेरा फेवरेट। हलीम भी तो दीवानी है, ये तो हलीम तो खिलाना पड़ेगा। मैं अमरोहा साइड निकलती हूँ, मेरे को दो चीजें होती है, एक अमरोहा के कोर्ट के चौराहे की बिरयानी और दूसरा हलीम, ये तो जरूर खानी होती है मेरे को। तो साजिद जी खिलाएंगे, आज रात को बिरयानी खिलाएंगे इसको हम, और अभी हलीम खिलाएंगे। ये बात, अम्मा के घर भी कुछ खाएंगे, अम्मा के हाथ की पानी की रोटी जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी, हरी मिर्चों की चटनी के साथ बहुत अच्छी होती है। चलो फटाफट चलते हैं, दूसरी गाड़ी हमसे आगे पहुंच गई, स्पीड अप। लो भाई, एक एक ख्वाहिश तो पूरी हुई मैडम की, हलीम बिरयानी खाएगी सारी। हर चीज में मतलब खा के बताओ कैसी है, बिल्कुल साउथ दिल्ली लाइट बन गया है। ए कैसी है बताओ खा के, पिछली बार ज्यादा अच्छा था। तो वो हलीम तो मैडम को पसंद आया नहीं, अब दूसरी जगह से खिला रहा हूँ, वो अच्छा नहीं था। ये मतलब बिल्कुल फ्रेश है, दिस इज वेरी नाइस। या सर दीदी आप भी खा लो। नहीं बाय। नहीं साजिद, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट योर विलेज व्हेन यू लिव इन दिल्ली? वो शांति सुकून नहीं है, मतलब शहरों में होता ही नहीं जो गाँव में होता है। एक तो सबसे बुरा जो मुझे लगा है, मेरा शेड्यूल जो खराब हुआ है दिल्ली आने से। मेरे को तकरीबन मोटा मोटी कहूँगा तो 18 साल हो गए दिल्ली शिफ्ट हुए। तो गाँव में मैं आराम से, हम लोग उठते थे सुबह 6 बजे 5 बजे और शाम को 8-9-10 बजे तक सो जाना। अब ये उल्टा हो गया है मामला। ये तो है यार, मैं भी पहले 3 बजे सोते हैं, रात को सुबह 12-12 बजे उठते हैं, कोई लाइफ का शेड्यूल ही नहीं बचा है। गांव में रूटीन तो बहुत अच्छा होता है। अब आज आप देखना, हम सोते गांव में लेट ही हैं क्योंकि हम बातें बातें करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं बैठक में, जो वहां पे है खाजी जी है उनकी बैठक है वहां बैठे रहते हैं। 12 बजे तक हम सोते हैं और 5 बजे ऐसी आँख खुलती है, ऐसा लगता है 6 बजे पूरा गांव घर में आ गया है। सही में, सही में सब आ जाते हैं मिलने के लिए। तो ये तो है गाँव में, बट मुझे, मेरा प्लान है कि मैं थोड़े टाइम बाद शिफ्ट हो जाऊंगा गांव में वापस। आई विल गो बैक टू माय विलेज इन माय, मैं कहां जाऊंगी, स्टार्ट 50s, तब ठीक है। तुम कहां जाओगी? तुम दिल्ली रह लेना बच्चों के साथ आराम। नहीं, बच्चों को पढ़ाने के बाद तो चल सकते हो, मंथ तक के बच्चे होंगे, वहां के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आप तो हम आ गए, मतलब 12th तक तो यही पढ़ेंगे यार। मैडम अभी भी जितने ISPCS निकालते हैं ना सारे यूपी बिहार से ही होते हैं। मैं इस बात को कह ही नहीं रही यार, मैं खुद बरेली में पढ़ी हुई हूँ 12th क्लास तक, मैं तो ये कह ही नहीं रही। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। हेल्थ बहुत जरूरी है और शहरों में वो बिगड़ रही है बहुत बुरी तरीके से। जी जी बेशक, मेरा पेट तक भी निकलने लग गया, मेरा आज मुंह इतना मोटा लग रहा है मुझे। शहर बोलो बेशक बेशक बेशक। नाश्ता कर लो पहले, जब बनेगी। तो आ गए हैं हम हसनपुर, अम्मा जरा सलाम करना। तो कुछ तो बोलो, मैं अम्मा को तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अम्मा को मैं बोल रही हूँ, लोगों को वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, सीधे वालेकुम अस्सलाम। अरे करना था लेना थोड़ी सा। चलो ठीक है, सलाम अलैकुम। ठीक है, अब तो इधर देखो आते ही खाना शुरू। क्यों, कार में तो पराठा खाया था बेबी? सब लोग बोलते हैं अपनी अम्मा की वीडियो बना के डाला करो, इसलिए आपकी वीडियो बना रही हूँ। आते ही समोसे खाना शुरू हो, इन दोनों को जहाँ समोसे और चाय मिल जाए वहाँ सेल स्टार्ट हो जाता है। अम्मी
आए तो ठीक है, समोसे खा रही हो आराम से एकदम। आप भी खा? मेरा वो कहाँ है? मैं डाइट पे हूँ। साहिल कहाँ है? ये भी खा रही है। कह रही है मेरा समोसा जरूर देखियो। कितनी बार सलाम लूं? वालेकुम अस्सलाम। हां वालेकुम अस्सलाम। हाय साहिर, हाय कर दो बाबा, हाय कर दो। हाय हाय गाइस। चिप्स खा रहे हो? मम्मा को किसी का दो। कहाँ थे? दूसरी कार में जा रहे थे, मम्मा पास नहीं आ सकते थे। अच्छा बाय गाइस कर दो। अब मैं आ गई हूँ अम्मा के खेत देखने। अम्मा आम खिलाओगी खेतों के? तो कुछ तो खिलाओ। अब आप खेती नहीं करती? ना, वैसे भी नहीं पालती। नहीं। चलो मेरे साथ चलो, बरेली चल रही हो? बरेली चले चलो। बागलपुर तक तो चल नहीं रही हो, बरेली चलोगी है? अम्मा का मन करता है तो वो कहीं भी जा सकती है, चाहे बस से जाना हो। और अगर अम्मा क्या कह दे, लल्ली मेरा जी ना कर रहा, तो अम्मा हिलती भी नहीं अपनी जगह से। ना कर रहा जी, आज तो नहीं कर रहा, जाएगी नहीं कहीं भी। चलो आराम से। शहर, ओए शहर, किसका घर है ये? परेश का घर है ये। देखो चीकू खाओगे? शहर बाबा, अरे वाओ शहर, किसने दिए फ्लावर? जो टच कर रही थी अब। ये रही भाई, ये रही। तो ये है चीकू का पेड़। मुझे दे दो। थैंक यू। बोल दो वेलकम। आप ले लो। आप बोल दो थैंक यू। ये क्या है? ये लेमन ट्री है शहर। देखो लेमन लेमन ट्री तो है। अच्छा मुझे इतना भी नहीं पता, गांव छोड़ा है मैंने, भूला नहीं हूँ मैं चीजें। ये क्या? ये रोज़ ही तो रोज है, रेड रोज है ये। और ये दूसरा भी लेमन ट्री है, देखो इधर, दिस इज ऑल्सो लेमन ट्री। ये क्या है? और ये किस चीज का पेड़ है? पर मैजिक दिखाता हूँ। क्या मैजिक यार? मैजिक ही टूट गया ले। क्या है, क्या मैजिक? मैजिक ये है, इसके पत्ते में से पेड़ आ जाते हैं। अच्छा तो वो इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे। आजा 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 बच्चों। अच्छा। रन 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 बुला लो। ये दे। हाँ। पत्ते में से पेड़ जम जाते हैं इसके। तो ये ऐसा पेड़ है भाई, मतलब ऐसा प्लांट है, पत्थर के पेड़ बोलते हैं मतलब। तो इसके पत्ते, इसका पत्ता भी गिर जाएगा तो उससे पेड़ निकल जाएगा। वो वाह वाह वाह। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? पापा कार में, बस उसको थार में बैठना है। बस कार में जाना है हर टाइम। गांव क्या करने आए हो भाई तुम? कहाँ जाना है बाबा? कार में। कार में कहाँ? पापा कार में जाओ। कार में कहाँ जाना है? इधर कार में जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलें गाइस। मैं ले लूंगी ये। मेरी है? मुझे दे दे। मेरी है। आपको किसने दे दी? नानू ने। चलो अब चले, अब हम जा रहे हैं साजिद के विलेज। कहाँ जा रहे हैं? साजिद के विलेज। साजिद के विलेज कहती है। ये हमारी खाला, ठीक है खाला ऐसी रहना। और ये देखो अम्मी, ये कॉपी पेस्ट है। कितने साल का अंतर है तुम दोनों में? 2 साल। हाँ लेकिन है कॉपी पेस्ट। चलो बाय बाय खाला। बाय बाय। ये परवेज की अम्मी है, दिखाओ अपनी शक्ल। चलो बाय बाय। तो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं साजिद के मामू के घर से, और अब हम जा रहे हैं दादू के गांव। और वहीं हम सोएंगे आज रात को। और शहर बोल रही है कि हमें रेस जीतनी है। मैंने कहा रेस नहीं जीतेंगे, दादू तो पहले ही निकल गए। दादू तो बहुत पहले गए, हम कैसे पकड़ेंगे उनको? इतनी देर पहले चले गए दादू। चलो चलते हैं फटाफट, अपने ही गाँव का रास्ता भूल गए साजिद। हम मामू के यहाँ से निकले हैं और जो लेफ्ट कट होता है अतरासी के लिए, वो कट ही नहीं मिल रहा हमें। हम गोल गोल चक्कर काट रहे। कैसे तुम यहाँ कैसे रहे हो 20 साल, जो अपने गांव का कट नहीं मिल रहा तुम्हें? सब बदल गया है ना, सब सारे लैंडमार्क बदल गए हैं, जो ब्रेन कंसीव करता है लैंडमार्क होते थे वो सब। ये तो पता है, मैं भी बरेली के काफी रास्ते जो उस टाइम पे होता था 2007-08 में, अब वो है नहीं, तो मेरे को भी कई बार कंफ्यूजन होता है। पर हम चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्या हुआ है? कब मिलेगा रास्ता? ये तो है गलत ले लिया था ना, वहां तो गया आगे। हां मिला।
भत्रासी के लिए राइट। हरे हरे खेत और यहाँ की फ्रेश हवा, मतलब पहुँचते ही एकदम अर्ली ठंड का एहसास हो गया। नहीं साजे, ठंड हो गई, सीजन ही खोला जा रहा, हवा लग रही है ठंडी ठंडी। ठंड तो हो रही है, बंद कर। मैं तो स्वेटर भी नहीं लाई अपना। मैं तो लाई हूँ। आपका तो लाई हूँ, मुझे लगा बच्चों लायक होगी, हमारी नहीं होगी लग रहा है, लेकिन है। ठंड तो सबको लगती है। कोई नहीं, काम चलाएंगे हम ऐसे ही। ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर है। हालात देख लो, मतलब ट्रैक्टर के कैसे भरे पड़े गन्नों से। गन्ने का टाइम होता है इस टाइम, गन्ने शुगर मिल में जा रहे होते हैं तो गन्ने कटते हैं। हाँ यार, हाँ हाँ बच्चे, इस पे बैठना सर आपको बैलगाड़ी पे। किसने? वो पीछे बैलगाड़ी। ऐसे बार बार यहाँ रुकना पड़ता है, पाँच पाँच दस दस मिनट, लेकिन आज आते ही ट्रेन आ गई है। अब पता नहीं और भी आएगी, अगर और ट्रेन आई तो फिर रुकना पड़ेगा, इसके बाद खुल गया तो मजा आ जाए। कौन सी ट्रेन आई बता दे, चल तुझे बहुत नॉलेज है। मुझे क्या पता, रेड कलर की कौन सी होती है? सारी होती है, वो तो नाम लिखा होता है बस पीछे से, उस पर नाम लिखा होता है। बावली नॉलेज क्या, मैं तो ट्रेन में रोज। हाँ तो क्या, एक कहानी सुना रही थी, गन्ने गन्ने के खेत, तूने गन्ने के खेत देख के तुझे कुछ याद आया था, तो क्या था? इसकी सुन लो पहले, बनाने देगी बोला। ओके ठीक है। गन्ने के खेत की मैं कहानी ये बता रही थी कि मेरे को गन्ने बहुत पसंद होते थे, और मेरे पापा के ईंटों के भट्टे हैं, तो एक हमारे हवा सिंह भैया होते थे, अब तो वो है नहीं, तो वो हमें पसंद होते थे इसलिए स्पेशली पापा गन्ने उगवाते थे भट्टे में, और हमारे ट्रैक्टर में वो डाल के लाते थे, फिर मैं और चारू मेरी छोटी बहन हम ट्रैक्टर में बैठ के गन्ने खाते थे। देख, बरेली शहर में रह के देख रहे हो, मतलब बेटी को गन्ने पसंद है तो पिताजी ने खुद के गन्ने उगवाए सिर्फ इनके खाने के लिए। फिर हम ट्रैक्टर, फिर वो हवा सिंह भैया हमें ट्रैक्टर से ट्यूशन भी छोड़ के आते थे। लोग भैंसों के खाने के लिए चारा उगाते हैं, इसके पापा ने इसके खाने के लिए गन्ने उगाए। मेरे को भैंस से क्यों कंपेयर कर रहे हो? खुल गया भाई, तुम क्यों हंस रही हो? ये फाटक खुल गया है। जा, ये वही ट्रैक है जो दिल्ली से अमरा होते हुए सीधे जाती है बरेली। हाँ तो मैं तो बहुत इस ट्रैक पे जाती हूँ, मैं पूरे कॉलेज लाइफ ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। बस अब साजिद आ जाएंगे अपनी फील्ड में, अब मुझे मुझसे कोई मतलब नहीं रहता इनका, यहाँ के सीधे बाहर बैठते हैं लड़कों में मस्त पूरे टाइम, और ऑर्डर चलता है चाय भिजवाना जरा। हाँ तू ही बनाती होगी चाय? चाय तो मैं ही बनाती हूँ। सो पहुँच गए हैं हम लोग साजिद के विलेज में, ये रहा हमारा घर, मैंने पिछली बार भी दिखाया था, बाबा हमसे पहले पहुँच गया है और ये शहर भी आ गई। हाय, हाँ जाओ देख लो क्या कर रहे हो बाबा। बाबा कह रहा घर वापस चलो। ना ना सबने बनाई तीनों ने। कितना मजा आ रहा है विलेज में, बहुत। साहिल मंकी चलो नाइट ड्रेस पहन लो, फिर खाना खाएंगे। तो आ गए हम लोग फाइनली अपने घर, ये रहा मेरा बेडरूम। हाँ अब शहर जा रही है गोट देखने, और साजिद गए हैं अमरोहा डिनर लाने के लिए, और तब तक हम लोग कर रहे हैं शैतानी। कितना मजा आ रहा है, और ठंड भी हो रही है यहाँ पे, तो इस बार नो गर्मी, आराम से रह सकते हैं। तो देखो गांव की लड़कियाँ एकदम सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, किसी की जरूरत नहीं है बल्ब लगाने के लिए, तो अम्मी ने रूबी को बोला है घर में बल्ब लगाने को, तो ये सीढ़ी खुद ही ले आई है। देख रही हो अम्मी बाहर से एकदम सीढ़ी लेके आई है, मस्त, तो चढ़ के लगा भी देगी। आप कर पाओगी ये काम? चलो मैं आपको ताई से मिलाती हूँ। ताई इधर देखना। ताई हमारी थोड़ा ज्यादा शर्माती है, तो ताई देखेंगी नहीं। चल रूबी बल्ब लगा के दिखा, देखा वुमेन पावर। गिर गई तो तेरी बेइज्जती है, फिर देखियो यहाँ पे ये गांव में ऊपर ये क्या कहते हैं कुदरती फैन भी है। हाँ जी आ रही हूँ रुक जाओ, हम बल्ब लग रहा है वो देख रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, बड़ी ठंड है गांव में, मेरे तो नाक फिर से बंद हो गई है। खाना साजिद अमरोहा से ले आए थे और अब बिस्तर पे पड़ गए हैं, खा लिया है। अब फरा चाय बनाएगी,
से नहीं आती, चाय भाभी बनाएगी। और यहाँ का मैं आपको चूल्हा भी दिखाती हूँ, ये रहा। तो यहाँ बैठ के हम चाय बनाते हैं। हालांकि जब मम्मी की शादी हुई थी तो उसके बाद पापा ने पूरा किचन बना के दिया था मम्मी को, बट अब चूल्हा बाहर ही रहता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ऑलरेडी उन्हें सफोकेशन होती है किचन में। तो ये था आज का मज़ेदार ब्लॉग। कल हम जाएंगे बरेली, उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय करना सब लोग। ये आके कैसे बाय करते हैं, बाय करूंगी साजिद, बाय बाय बाय।